हाय दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हैं मिडलैब चैनल। मेरे इस मिडलैब चैनल में आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो तो डिकुलिक INF ड्रॉप। तो इस डिकुलिक INF ड्रॉप का इस्तेमाल किस किस पर्पस में कर सकते हैं, कंपोजिशन क्या है, यूजेस क्या है और इसका इस्तेमाल कब कैसे करना चाहिए, इसके पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों सबसे पहले गौर कर लेते हैं, ये जो डिकुलिक INF ड्रॉप है दोस्तों, ये आप लोगों को 15 ml में मिल जाएगी। और इसका जो ड्रॉप है ये आप लोग अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली फॉर पेडिडिक। मतलब इसका यूज़ होता है ज़्यादातर 0 से लेके 1 साल तक बच्चे के लिए। दोस्तों आप इस डिकुलिक INF ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इसका प्राइस आप लोगों को देख लीजिए दोस्तों, ये 38 रुपीज़ में मिल जाएगी। और 38 रुपीज़ में आप लोगों को 15 ml का ये डिकोलिक INF ड्रॉप आसानी से दोस्तों मिल जाएगी। और इसकी जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये है कॉन्टेस्ट केमिकल लिमिटेड का एक बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये जो डिकोलिक INF ड्रॉप है दोस्तों, ये आप आसानी से आपकी किसी भी नज़दीकी मेडिकल शॉप में दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और इसके इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है दोस्तों। विदाउट डॉक्टर परमिशन कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। आइए दोस्तों इसका जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। ये जो डिकोलिक INS ड्रॉप है, इसमें दोस्तों आपको 3 ही सॉल्ट मिलता है, जैसे कि आप सिमिथिकॉन, दिल सेट वेल एंड फंगल वेल, ये तीनों ही सॉल्ट दोस्तों आपको मिलता है इस डिकोलिक INF सिरप में। और इसका जो कौन सा सॉल्ट कितना एमजी मिलता है, 20 ml में, मतलब 1 ml में जो ये जो सिरप है जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपको मिलता है, सिमिथिकॉन मिलता है 40 mg, और साथ साथ दिलसेट ऑयल मिलता है आपको 0.05 ml, और फंगल ऑयल मिलता है आप 0.0007 ml। दोस्तों इस हिसाब से आपको अपने बच्चे को इस ड्रॉप को खिलाना चाहिए, उसके बारे में भी एक बार गौर कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों इसका यूजेस कब और कैसे करना चाहिए, जैसे कि आपके बच्चे में पेट में दर्द, पेट फूलना और साथ साथ पेट में गैस बनना, जो भी बच्चे को दूध लेता है उसके साथ साथ आपके बच्चे का पेट फूल जाना, पेट में दर्द होता है, उसके लिए दोस्तों आपके बच्चे रोना रहता है, रोना खत्म ही नहीं होता है, लगातार आपके बच्चे रोता ही रहता है, उस सब क्षेत्र में दोस्तों आप इस डिकोलिक INF सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब आप बच्चे के पेट में दर्द या आपका गैस, बच्चे के जो भी दूध खाता है उसके हिसाब से आप बच्चे का पेट फूल जाना, पेट में दर्द रहता है और ज़्यादा गैस बन जाता है, उसके लिए आपके बच्चे का खाना भी सही से नहीं खा पाते और साथ साथ रोते भी रहते हैं, उस सब क्षेत्र में दोस्तों आप इस डिकोलिक INF ड्रॉप को डॉक्टर साहब रिफर कर सकता है। डॉक्टर साहब रिफर करने के बाद ही दोस्तों आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। विदाउट डॉक्टर परमिशन आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये बच्चे के लिए है तो इसको और भी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। आए दोस्तों इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसके साथ कैसा और क्या क्या मिलता है। जैसे कि दोस्तों ये देख लीजिए, डिकोलिक INF ड्रॉप या प्लास्टिक की बोतल में मिलता है दोस्तों, तो इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत देर नहीं होगा दोस्तों। और इसके साथ एक ड्रॉप दोस्तों आता है, उस ड्रॉप से आप अपने बच्चे को नाप के कितना बूंद देना चाहिए उस हिसाब से दोस्तों आप इस डिकोलिक INF सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसका डोज के बारे में एक बार गौर कर लेते हैं, मतलब इसका डोज कैसा लेना चाहिए। कंपनी भी दोस्तों इसमें मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, आप अपने बच्चे के लिए बिलो 6 मंथ, मतलब 6 महीने से नीचे के लिए आप 5 से 10 ड्रॉप अपने बच्चे को खिला सकते हैं 4 टाइम, मतलब दिन में 3 से 4 टाइम आप अपने बच्चे को इस डिकोलिक NS ड्रॉप को दे सकते हैं 5 से 10 बूंद, अगर आपकी बच्चे की उम्र 6 मंथ से नीचे है। और मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 6 से 12 मंथ है, तो मतलब 6 महीने से 1 साल तक है, उस क्षेत्र में आप 10 से 12 बूंद करके 4 टाइम अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और ये 15 मिनट बाद बाद, मतलब दिन में 15 मिनट्स आफ्टर आप अपने बच्चे को इस डिकुलिक INF ड्रॉप को दे सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे मेडलैब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।